छिड़क दो, इसमें आग लगा। अनुपम खेर के ड्राइवर भी अब लगता है उनकी गाड़ी चलाने के लिए मोटरसाइकिल पर ही आ रहे हैं। वो पहले साइकिल पर आने लगे थे 2014 से पहले की बात, तब 70-72-75 रुपए पेट्रोल के दाम हुआ करते। अक्षय कुमार भी साइकिल चलाने लगे थे, अब यहाँ पूरा देश साइकिल चलाने पर मजबूर दिख रहा है, लेकिन सन्नाटा, खामोशी है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। और ये तब हो रहा है जबकि मंदी की मार आम आदमी, आप मैं हम सब झेल रहे, नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें घट रही हैं, 97% लोग कहते हैं उनकी आमदनी में कमी आई है, 55% कह रहे हैं सीधी कमी आई है, 42% कह रहे हैं कि जस की तस है कमल, पर महंगाई दर को अकाउंट सॉल्व करने को उनकी भी आमदनी घटी है। पर सरकार कह रही है कि हम क्या करें, हमारा खर्च बढ़ रहा है, ये संकट काल, संक्रमण काल, आपदा काल, आफत काल, मुश्किल दौर, खर्च बढ़ रहा है और आमदनी कम है, तो हम पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं कर सकते, एक्साइज में कमी हम नहीं कर सकते, राज्य कहते हैं वैट में कमी हम नहीं कर सकते, ये तो सरकार का तर्क हो गया। तो क्या आम आदमी भी ये कह सकता है कि देखिए मेरी आमदनी कम हो रही है, मेरा खर्च बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के चलते, सिर्फ उसी के चलते मेरी जेब में डाका नहीं पड़ रहा, बल्कि सब्जियों के, फल के, दूध के, खाने पीने की चीज़ें, खाने का तेल, इन तमाम चीज़ों में सरपट इजाफा हो रहा है, तो मेरी आमदनी कम है, अब मैं टैक्स नहीं देता। आप या मैं ये कह सकते हैं कि भैया टैक्स नहीं देता। और यहाँ पर इनकम टैक्स की बात नहीं है, एक नैरेटिव ये भी चलता है कि जी इनकम टैक्स 6-6.5 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, उसमें से 1.5 करोड़ दरअसल टैक्स देते हैं, बाकी 0 रिटर्न फाइल कर देते हैं, आप में से मुझ में से हर कोई टैक्स देता है, ये सिर्फ डायरेक्ट टैक्स का नैरेटिव, प्रत्यक्ष कर